काली मंगरेल और काली तिल से बनाई है ये नेचुरल हेयर डाई जो कि आपके सफ़ेद बालों को 5 मिनट में काला कर देगी। ये देखिए कितना ब्लैक और ब्यूटीफुल कलर आएगा आपके बालों में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आप अपने बालों पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बालों को 5 से 10 मिनट में ब्लैक कर देगा। जो वाइट हेयर की बात कर रही हूँ मैं, सफ़ेद बालों की। तो देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की है और डेली बेसिस में मैं इसे शेयर करते रहती हूँ। तो देखिए, आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसका कॉम्बो करके आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारी वीडियोस आप बना चुके हैं, लेकिन तो कोई ऐसी बताइए जो कि सिंपल वे में हो और सिंपली हम अपने बालों को इंस्टेंट ब्लैक कर सके। तो ऐसे तो मैंने सिंपल ही बताई है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स अगर आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। बीच बीच में भी आप लोगों को कमेंट्स करते रहती हूँ, लिंक प्रोवाइड करते रहती हूँ। तो ऐसे लिंक आप मुझसे मांगते रहते हो, बट मैं इस क्या करती हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पंसारी की दुकान से या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन बाय कर ही लेती हूँ, तो उसकी जो अवेलेबल लिंक्स होती वो मैं दे पाती हूँ दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जटा मासी कहाँ से लें, मुझे तो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती है और साथ ही साथ वेबसाइट से भी मैं मंगा लेती हूँ, जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट से। तो मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूँगी। आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, दीदी प्लीज़ 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 लिंक दीजिए इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे मेन टॉपिक है हमारा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छे भी होने चाहिए। जो मैं यूज़ करती हूँ वही शेयर करूँगी, आपको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे बाल देख सकते हो कितने ब्लैक है, ब्लैक डार्क है, और मैं बिल्कुल भी कोई केमिकल बेस्ड वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। और बचपन से ही मैंने इन चीज़ों को नॉलेज लिया है, जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद आयुर्वेदिक, उनके डैडी जो मेरे नाना जी थे और डॉक्टर थे आयुर्वेदा के, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल थे। तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी मुझे बचपन से ही बताती हैं कि बालों पे ये लगाना चाहिए। आंवला, रीठा, शिकाकाई तो मैं बचपन से यूज़ करती थी, साथ ही साथ मेथी वगैरह, और बाल इससे मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे। तो आजकल बच्चों के जो बाल होते हैं, अगर आप बराबर प्रोटीन नहीं लेंगे या फिर बालों की केयर नहीं करोगे तो बाल झड़ जाते हैं, बाल जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल चीज़ें, जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, ये जड़ से आपके रूट से आपके समस्या को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। सारी इंग्रेडिएंट्स आज की रेमेडी की जो है वो आपको घर में, किचन में ही मिलने वाली है, आपको कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सिंपल तरीका बताइए, सिंपल तरीके से भी आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पे अपने बालों को ऑयलिंग वगैरह करते ही रहते हैं, नारियल के तेल को हम लगाते हैं, बट नारियल के तेल में अगर आपको मिल जाए, जैसे कि कैस्टर ऑयल मिल जाए, या फिर आप घर पे ही अलसी का तेल बना लो, उसे भी आप स्टोर करके रख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अलसी का तेल जो होता है, फ्लैक्सीड्स ऑयल जो होता है, नॉरिशमेंट बहुत देते हैं वो हमारे बालों को। तो नारियल तेल में आपको क्या करना होता है, फ्लैक्सीड्स को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसी को आप यूज़ करोगे ना, तो आपके बाल और अच्छे हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उससे। और जो फ्लैक्सीड्स होते हैं उसे हल्के से रोस्ट करके, भून के भी अगर आप खाओगे ना, इनटेक करोगे, तो भी बहुत अच्छा होगा। कैरेटीन हमारे जो बालों में पाई जाती है वो मेंटेन हो जाता है, नॉरिशमेंट मिलता है बालों को, बालों के स्ट्रैंड्स अच्छी हो जाती है, मजबूती अच्छी हो जाती है। हमारे बालों में पोषक जब मिलता है तो ऑब्वियसली हमारे स्कैल्प हेल्दी हो जाती है, नेल्स बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ डेली बेसिस पे। तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल मुंबईकर बिंदु को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड दोस्तों, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिए इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो बाकी के लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि आपको आपके बालों को डैमेज करिए। नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें डेली बेसिस पे करते ही रहना चाहिए। देखिए, आप पार्लर में जाके बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट लेते हो ना,
उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारे केमिकल्स जाते हैं स्कैल्प में, तो वो बहुत ज़्यादा यू नो डैमेज करते हैं हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सिर के स्कैल्प को डैमेज करते हैं, तो वहाँ पे ब्लैंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट मीन्स गंजापन होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो, घर की ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसे कि यूज़ करके ना आप बहुत ही अच्छे से कॉम्बो में इन सारी चीज़ों का यूज़ मीन्स कैसे होता है ना, जब भी हम रेमेडीज़ आपको शेयर करते हैं तो उसका जो कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वही वर्क करता है, ठीक है। तो उसे इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेरे चैनल पे इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसका कॉम्बो जो होता है, कंबाइन होता है ना, वही उस तरह से वर्क करते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिस नहीं करना होता है, वो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की तो रेमेडी बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से अपने बालों को ब्लैक कर सकते हो आप, सफ़ेद बाल, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और कोई भी आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लियर करूँगी। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो चलिए आपके बाल भी अच्छे हो रहे हैं, सिल्की सॉफ्ट शाइनी मैनेजेबल, वॉल्यूम आप कितना कितना वॉल्यूम चाहते हो अपने बालों में। तो आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करें जिससे कि आपके बाल जो है बाउंसी रहे, देखिए, और स्कैल्प से आपके हेयर जो है ना वो मजबूत रहे। इस तरह से एक थेरेपी भी है जो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी, ये थेरेपी मेरी मम्मी ने मुझे बताई है, जो इस तरह से आप बाउंसी हेयर अगर चाहते हो ना, और तो इसकी एक थेरेपी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी रेमेडी के। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले रेमेडी देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है नेस्कॉफ़ी की, मीन्स आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे नेस्कॉफ़ी का यूज़ कर रही हूँ और कई सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनाती है और नेचुरल कलर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग देखिए, इस तरह से आपको कॉफ़ी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लेने वाले हैं यहाँ पर कोकोनट ऑइल, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑइल ले सकते हैं, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट इसका मिक्सचर हमें करना रेडी होता है। तो इस तरह से आप 1 से 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग नारियल का तेल ले लीजिए, और सबसे पहले इसे हमें मिक्स कर लेना है इस कॉफ़ी में, जो कि हमारे सफ़ेद बालों को ये इंस्टेंटली ब्लैक करने का काम करती हैं। इस तरह से इस रेमेडी को आपको यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये पाउडर क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसे हम राइस पाउडर कहते हैं, राइस का जो होता है उसे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, राइस को चावल, उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके चावल का आटा आपको लेना है। यहाँ पे चावल का आटा आप कम से कम इस तरह से 1 चम्मच लेंगे, ठीक है। चावल का आटा हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है, ये देखिए, इससे आपके बाल जो है वो सिल्की सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। देखिए, इस रेमेडी को आपको इस तरह से रेडी करना है, अच्छी तरह से कोई लम्स ना रहे। जब आप इसे अपने बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल सिल्की सॉफ्ट शाइनी होंगे, साथ ही साथ ये ब्लैक कलर देने का बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, उसे मिस मत करिएगा। ये सारी चीज़ें हमें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है काला तिल, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है मंगरेल, जिसे कि ब्लैक अनियन सीड कहा जाता है। तो काला तिल और ब्लैक अनियन सीड को आपको हल्के से रोस्ट करना है और इसका एक पाउडर बनाना है। दैट मीन्स एक चारकोल फॉर्म रेडी हो जाएगा, जो कि आप इस इंग्रेडिएंट में यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे वाइट हेयर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, नेचुरल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। इस तरह से अगर सेफली अपने बालों पे इन सारी चीज़ों का यूज़ करोगे तो आपके बाल जो है लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो देख सकते हो, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे और जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक सीड्स है, ब्लैक अनियन है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, और ये काली तिल है। तो इस तरह से इसका प्रोपोर्शन लेना होता है, 1 चम्मच आपको काला तिल लेना है तो 2 चम्मच आपको यहाँ पे मंगरेल लेना है, दैट मीन्स ब्लैक ऑनियन सीड। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उस तरह से इसका एक चारकोल पाउडर बनाना है और उसे हमें इसमें ऐड कर देना है।
तो आप देख सकते हो आपका ये कुछ इस तरह से ये ब्लैक पाउडर रेडी हो जाएगा और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा हमें इसका एक पाउडर बना करके रेडी करना है और इस तरह से इस ऑयल में मिक्स करना है। आप देख सकते हो नेचुरल ब्लैक डाई आप घर पे ही बना के रेडी कर सकते हो इस तरह से, और इसे अपने बालों पे लगाएं। कम से कम इसे आप 1 घंटे के लिए अपने बालों पे लगा के छोड़ दें, उसके बाद बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। नेचुरल आपको ये ब्लैक कलर देने वाले हैं। ये देखिए इतना अच्छा और बढ़िया ये आपको मिल गया है, क्योंकि नेचुरल इसमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो ब्लैक तिल होती है उसमें नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ मंगरेल हमारे बालों को, सफ़ेद बालों को काला करने का बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे मिक्स करके 1 घंटे के लिए लगाना है और फिर उसके बाद बालों को धो लीजिए। ठीक है, आप शैम्पू भी कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को रेमेडी पसंद आई तो चलिए आप लोगों को थेरेपी भी बता देती हूँ। वो थेरेपी ऐसी है, जब भी आप अपने बालों पे ऑयलिंग वगैरह करते हो, मैं तो यहाँ पे आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अनियन हेयर ऑयल, फ्लैक्स सीड्स का हेयर ऑयल आप बनाइए घर पे, नारियल तेल आप डालिए, विटामिन ई कैप्सूल डालिए, अच्छी तरह से अपने बालों पर स्कैल्प में इस तरह से लगा लो। ठीक है, अभी तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बट आप ये थेरेपी सीख लीजिए, इस तरह से अपने बालों पे सर मसाज करो सब पूरा। जब तेल वगैरह आप लगा लोगे ना, तो आपको क्या करना होता है, एक पोर्शन पकड़ना होता है, अपने फिंगर से ऐसे लॉक करिए, और ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से आपको लॉक करना होता है अपने बालों को, और हल्के से इस तरह से पुल आउट करिए ऐसे। ठीक है, एक साइड से आपको पकड़ना है, इस तरह से खींचना है। तो ये जो थेरेपी है आप इसे यूज़ करके देखना, इससे आपके बाल ना काफ़ी अच्छे होते हैं। ये स्ट्रेचेबल थेरेपी होती है जिससे बाल लंबे भी होते हैं। इस तरह से अपने बालों को इस तरह से पुल आउट करना होता है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इससे आपके जो स्ट्रेस लेवल होती है वो भी कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। इस तरह से अपने बालों को, ये मेरी मम्मी हमेशा मुझे बचपन से करती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यू नो, इस तरह से बालों को। जस्ट आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हो। मेरी मम्मी मुझे करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए जो बाल आपके हैं ना वो अच्छे ग्रो होते हैं, और जब आप इन सारी रेमेडीज़ का यूज़ करते हो तो बालों में एक बहुत अच्छी वॉल्यूम भी आ जाती है, बाल आपके अच्छे काले घने और चमकदार भी रहते हैं। तो इस तरह की थेरेपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बाल अगर आपके यू नो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, तब भी बहुत अच्छे से इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।